नमस्कार मित्रों, धोरण 10 मार्च SSC परीक्षा दिन प्रतिदिन हवे नजीक आवती जाए छे। तो मित्रों, आपणे पुनरावर्तन अने प्रेक्टिस में जोड़ाई जईशुं। अहींया संस्कृत विभाग डी आपणने विडियोना माध्यम द्वारा समझावामां आवी रह्यो छे। तो मित्रों, विभाग डी जे छे ए समग्र विभाग व्याकरण आधारित छे। एमां हूँ अहीं पेपर वन जे छे ए पेपर वन प्रस्तुत करवा जई रह्यो छूं। क्वेश्चन नंबर 25-40 जे छे ए व्याकरणना जुदा जुदा मुद्दाओ आधारित अहीं विगतवार समज आपवामां आवी छे। तो मित्रों, बने एटली कोशिश करी अने बाळको सुधी पहोंचाडवानो प्रयत्न करशो, आप पण प्रेक्टिसमां जोड़ाई जशो। तो प्रश्न नंबर 25 जे छे ए प्रश्न नंबर 25 समानार्थी शब्दनो आवे छे, जेनी अंदर अहींया शैलह शब्दस्य समानार्थकम शब्दम अधोदतेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिख। तो मित्रों, अहींया समानार्थी शब्द जे शोधवानो छे एमां त्रण विकल्प आपेला छे। तो ऊपर शैल शब्द छे, शैलह एटले पर्वत, तो आद्री शिला के अंशु, आ त्रणमांथी साचो विकल्प कयो छे? तो अहींया छे साचो विकल्प आद्रेही। एज रीते मित्रों, प्रश्न नंबर 26 जे छे एनी अंदर पुण्यम शब्दस्य विरुद्धार्थकम शब्दम अधोदतेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। पुण्यम शब्द जे छे एनो विरुद्धार्थी शब्द आपेला त्रण विकल्पमांथी शोधीने लखवानो छे। तो पुण्यम शब्दनो विरुद्धार्थी शब्द छे दुरितम। ए ज रीते प्रश्न नंबर 27 छे, अधोदतेभ्यः क्रियापदेभ्यः वर्तमान कालस्य उत्तम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपं चित्वा लिखत। एटले कि वर्तमान काल, उत्तम पुरुष, एकवचन रूप आपणे शोधीने लखवानुं छे। तो मित्रों, एमां वदामि, वदसी अने वदती आ त्रण विकल्प आपेला छे। एमां साचो उत्तर छे वदामि, मी वह मह, वदामि ये उत्तम पुरुष एक वचननो रूप छे। ए ज रीते 28 अधोदतेभ्यः क्रियापदेभ्यः सामान्य भविष्यकालस्य अन्य पुरुषस्य एक वचनस्य रूपं चित्वा लिखत। एमां सामान्य भविष्यकार, मित्रों ध्यान राखजो कि सामान्य भविष्यकारमां पण वर्तमान कालना जे प्रत्ययो छे एनो उपयोग थाय छे। तो अहीं अन्य पुरुष एक वचन छे, ती तह अंति अने एमां स्य प्रत्यय लागीने सामान्य भविष्यकार बने छे। तो अहीं नर्तिष्यति, नर्तस्यतः अने नर्तिष्यन्ति आ त्रण विकल्प छे। एनी अंदरथी अन्य पुरुष एक वचननुं छे नर्तिष्यति। मित्रों, 29 नंबरनो प्रश्न छे, अधोदतेभ्यः क्रियापदेभ्यः आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचनस्य रूपं चित्वा लिखत। मिलताम, मिलेताम, मिलैहि। मित्रों, एमां साचो जवाब छे मिलताम। ए ज रीते प्रश्न नंबर 30 छे, अधोदतेभ्यः क्रियापदेभ्यः विद्यर्थस्य अन्य पुरुष एक वचनस्य रूपं चित्वा लिखत। इक्षेत, इक्षेताम, इक्षेरन। तो मित्रों, आपणे विद्यर्थना परस्मय अने आत्मनेपदी प्रत्यय पर तैयार करेला छे, ए मुजब एनो साचो जवाब छे इक्षेत। 31 नंबर छे मित्रों, अधोदत्तस्य शब्दस्य स्म प्रयोग कृत्वा वाक्यम पुनः लिखत। आमां स्मनो उपयोग करवानो छे। तो मित्रों, खास ए ध्यान राखजो कि स्मनो उपयोग करती वखते स्मनी साथे आपणे सादा वर्तमान कालनो उपयोग करीए छीए, एटले मी वह मह सीथ हथ तीतः अंति जे प्रत्ययो छे ए अहींया जे ते क्रियापदने अंते आपणे लगावाना छे। अने ह्यस्तन भूतकाळमां रहेलो जे अ छे ए ह्यस्तन भूतकाळ अने एनी पाछळ रहेला एना आत्मनेपदी अने परस्मयी प्रत્યય જે છે દૂર થાય છે અને વર્તમાન કાળના પ્રત્યયો અહીંયા વપરાય છે। તો મિત્રો, અહીંયા ધ્યાન રાખજો
कि अहीं अगच्छत है तो अगच्छत में मात्र तमारे फेरफार करवानो छे तो स्मनो उपयोग थशे एटले अहीं गच्छ है एमां वर्तमान कालनो प्रत्यय लागशे एटले पेलो त जे छे त्यां आई जशे ती गच्छती अने अ निकली जशे अ ए ह्यस्तन भूतकाळ बतावे छे तो सूर्यम अस्तम अगच्छत तो एनो साचो जवाब अहीं थशे सूर्यः अस्तम गच्छति स्म। तो मित्रों अहीं आ स्मनो उपयोग करती वक्त आटलो फेरफार ध्यान राखी लेजो कि ह्यस्तन भूतकाळनी जगह वर्तमान कालना प्रत्ययो लगावी अने त्यां मात्र स्मनो उपयोग थाय छे। ए ज रीते प्रश्न नंबर 32 छे अधोदत्तेभ्यः नामे नामरूपेभ्यः चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं चित्वा लिखत। तो मित्रों जनेन जनाय जनेषु तो साचो उत्तर छे जनाय। 33 नंबर नो प्रश्न छे मित्रों अधोदत्तेभ्यः नामरूपेभ्यः पंचमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं चित्वा लिखत। तो वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः तो पंचमी विभक्ति में छे वृक्षात। 34 नंबर नो प्रश्न छे उपपद विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थानं पूरतय। तो अयम खाली जगह सह समुद्रम प्राप्स्यति। तो मित्रों अहीं खास ई ध्यान राखवानी छे के आजे उपपद विभक्ति नो उपयोग करो ये वक्त सह छे तो सहनी साथे तृतीय विभक्ति वपराय छे तो तृतीय विभक्ति में छे जल प्रवाहेण। तो साचो उत्तर छे जल प्रवाहेण। 35 नंबर नो प्रश्न छे एमां प्रकोष्ठकात युक्तम संख्यापदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। तो गमन मार्गे विघ्नाः भवन्ति तो चत्वारः चत्वारि चतस्रः। तो मित्रों एमां साचो जवाब छे चत्वारः। 36 नंबर ना प्रश्न में रेखांकित पदस्य कृदंत प्रकारम लिखत। तो मैं अहीं कृदंत नो प्रकार दर्शाववानो छे शरीरे किम रमणीयम। तो रमणीय अंडरलाइन शब्द छे रमणीय क्यों कृदंत छे तो मित्रों उत्तर छे एनो विद्यर्थ कर्मणि कृदंत छे। ये ज रीते 37मो प्रश्न छे अधोदत्तस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। एमां अहीं अपूर्वः अयम। तो मित्रों अहीं खास ई ध्यान राखवानी कि अपूर्वो अहीं ड जेवो दिखाय छे ए संस्कृत में अवग्रह छे अने अवग्रह छे एटले एनो अहीं आ ड जे छे एनो अ थई जाय छे ड जेवो जे दिखाय छे अवग्रह छे एनो अ थई जाय अने अपूर्वो आगर ओ छे तो ओनो विसर्ग थई जाय विसर्गमां मात्र बे टपका करवाना होय छे। तो अहीं अपूर्वः वत्ता पेला अवग्रहनो अ थई जाय एटले अयम। ए रीते संधिना नियम साथे आपणे समजवानो प्रयत्न करीशुं। मित्रों ए ज रीते 38मो प्रश्न छे अधोदत्तस्य पदस्य संधियुक्तम पदम लिखत। संधि अहीं युक्त करवानी छे एटले के जोड़वानी छे। तो शिष्यः अपृच्छत। तो मित्रों ए ज रीते अहीं आपणे समजी शकीए छे कि अहीं विसर्ग आव्यो एटले बे टपका थया अने प्लस पछी अहीं अ छे तो ऊपर जे नियम हतो ए ज पाछो अहीं आव्यो तो अहीं शुं थशे शिष्य हतो एनो शिष्य ओ थई जशे अने पेलो अवग्रह छे एटले ड जेवू जे दिखाय छे अवग्रह थई गयो एटले अ आई गयो अने पछी पृच्छत। तो ज्यारे संधि एने युक्त करवानी होय जोड़वानी होय त्यारे आ प्रकारना नियमने फॉलो थवानो। अहीं विसर्ग पहला शब्दनो विसर्ग अने बीजा शब्दनो अ आ बंने ज्यारे भेगा थता होय त्यारे अहीं आ रीतना शिष्योड पुच्छत पृच्छत थई जशे। ए ज रीते प्रश्न नंबर 39 छे अधोदत्तेभ्यः सामासिक पदयोः समास प्रकारौ लिखत। 39 अने 40 ए बंने विकल्प प्रश्नों जे छे ए समास दर्शावे छे। तो अहीं मित्रों चक्रायुध शब्द छे ए चक्रायुधनो समास थाय छे बहुव्रीहि समास। अने 40मो प्रश्न जे छे छेल्लो अंतिम प्रश्न एमां सृष्टिपुत्र तो शेठ नो पुत्र नो ना
ની નુંથી છૂટો પડ્યો એટલે ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ છે। તો મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વ્યાકરણના જુદા જુદા મુદ્દાઓ જે છે એ વિભાગ ડીમાં આવે છે। આપે પૂરો વિડિયો નિહાળ્યો હશે। આપ આ રીતે આવનાર વિડિયો સાથે જોડાયેલા રહેશો અને સતત પુનરાવર્તન કરી સારામાં સારા પરિણામ તરફ જાઓ એવી શુભેચ્છા સહ। જય હિન્દ, જય ભારત।